वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी डायरेक्टिंग के स्टडी क्वेश्चन 11 देखेंगे। तो देखिए, रहीम वाज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज ऑन डेली वेज बेसिस। इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। हिज डॉटर फेल इल। ही हैड नो मनी फॉर द हिज डॉटर्स ट्रीटमेंट। टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ हर ट्रीटमेंट ही पार्टिसिपेटेड इन ए साइकिल रेस एंड वॉन द प्राइज मनी। द साइकिल कंपनी ऑफर हिम ए परमानेंट पेंशनेबल जॉब विच ही हैप्पीली एक्सेप्टेड। बाई क्योटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबो पैरा आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ रहीम दैट आर सेटिस्फाइड बाई द ऑफर ऑफ साइकिलिंग कंपनी। साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, क्यों साइकोलॉजिकल नीड्स, उसको के मतलब मनी की रिक्वायरमेंट थी अपनी डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको वो नीड्स पूरा करने के लिए उसने के मतलब साइकिल रेस की तरफ ध्यान दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें हम लिख के चलेंगे सिक्योरिटी नीड्स। अब उसमें सिक्योरिटी की मतलब पेंशनेबल का उसमें जिक्र हुआ है कि परमानेंट पेंशनेबल जॉब है, तो सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो रही है। और दो अदर वो बताने हैं, तो बिलोंगिंगनेस नीड्स और एस्टीम नीड्स। तो बिलोंगिंगनेस जो नीड्स है उसमें क्या होता है, सच नीड कंप्राइज ऑफ द सोशल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज अफेक्शन एक्सेप्टेंस कंपेनियनशिप एक्सेट्रा। और एस्टीम नीड्स जो होती हैं उसमें एलिमेंट लाइक रिस्पेक्ट डिग्निटी जो है ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, मिसिज राजलक्ष्मी इज वर्किंग एज ह्यूमन रिसोर्सिस कंसल्टेंट इन ए फर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक विच इज फेसिंग ए प्रॉब्लम ऑफ हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर। द सीईओ ऑफ द कंपनी हैज इनवाइटेड सजेशंस फ्रॉम हर फॉर रिटेनिंग द टैलेंटेड एम्प्लॉयज एंड रिड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टर्नओवर। मिसिज राजलक्ष्मी रिकमेंड्स दैट द गुड एम्प्लॉयज बी रिवार्डेड इन ए वे दैट ही क्रिएट ए फीलिंग ऑफ ओनरशिप अमोंग द एम्प्लॉयज एंड एट द सेम टाइम मेक दैम कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो देखिए, इसमें को पार्टनरशिप में क्या आता है कि जो मिलकर काम किया जाता है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया ये को पार्टनरशिप जो है, और जो अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेज और बोनस जो है वो उसको टाइमली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आपके किस में आते हैं, फाइनेंशियल जो आपके इंसेंटिव्स हैं उसमें आते हैं। एएस एनवायरमेंट लिमिटेड is dealing in environmental consultancy to get the business. The team leader and his team used to travel to different state to give presentation to their client. As per the policy of the company, the team leader used to travel by air, whereas his team traveled by road or train. It was not only time consuming but also at time forced the female team member to travel alone. As a result, the subordinate were not acting in a desired manner to achieve organizational goal. The CEO of the company came to know about it. He called the team leader, discussed the matter with him, and decided to change the travel policy of the company. It was decided that in future all the members including the leader would travel together and usefully utilize the traveling time in discussion about the presentation to given to the client. This made a positive impact and every members of the team started acting in the manner as desired by the team leader. State the feature of the element of the functions of management used by CEO. तो देखिए, इसमें जो एलिमेंट हो गया वो हो गया मोटिवेशन, और उसके आपने क्या बतानी है, फीचर्स बतानी है, मोटिवेशन की फीचर्स बतानी है इसमें। इसके बाद देखेंगे आप, इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट बेसिक सैलरी हेल्प टू सेटिस्फाई
the basic psychological needs of hunger, thirst, shelter, sleep, etc. How are the remaining needs given by Maslow's in the need hierarchy are satisfied? Explain briefly. तो देखिए इसमें safety and security needs are satisfied by providing job security, stability of income. Affiliation, belonging needs are satisfied through informal organization or cordial relations among employees. Esteem needs are satisfied by giving job titles, and self-actualization needs are satisfied by allowing the employees to take initiative to become what they are capable of becoming. 15 number dekhenge. Whom is working in a company on a permanent basis? As per the job agreement, she had to work for 8 hours a day and was free to work overtime. Huma worked overtime, due to which she fell ill and had to take leave from her work. No one showed concern and inquired about her health. She realized that she was fulfilling only some of her needs, while some other needs still remained to be fulfilled. By quoting the lines from the above para, identify the needs of human which she able to fulfill. तो देखिए इसमें एक तो साइकोलॉजिकल नीड्स आएगी और एक सिक्योरिटी नीड्स, जो सेफ्टी नीड्स हैं वो आएंगे इसमें, ठीक है. और इसके बाद जो नीड्स ऑफ ह्यूमन विद रिमेन टू बी सेटिस्फाई, एफिलेशन नीड्स और एस्टीम नीड्स के बारे में आप बताएंगे और उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आप. इसके बाद देखेंगे उमंग गुप्ता इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Denver Limited. The company had established a good name for itself and had been doing well. It was known for timely completion of order. The production manager, Ms. Kanta, was efficiently handling the processing of the order and had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. Umang knew that in the absence of Ms. Kanta, the company may not be able to meet the deadlines. He also knew that not meeting the deadline may lead to customer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill. So he had a meeting with his employee in which accurate and speedy processing of order was planned. Everybody agreed to work as team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employees of the organization. Hence, everyone put a extra time and efforts, and the target were met on time. Not only this, Umang visited Ms. Kanta and advised her to take sufficient rest. Identify and explain the leadership style of Umang Gupta. तो democratic leadership style होगी, उसके बारे में आप बताएंगे और उसके बाद आपने उस स्टाइल का डायग्राम बताना है. तो डायग्राम में क्या है कि एक बॉस है और जो भी उसके सबॉर्डिनेट हैं उनके जो भी सजेशंस हैं और बॉस के जो भी ऑर्डर्स हैं वो आपस में मिलजुल कर आदान प्रदान कर सकते हैं. इसके बाद देखेंगे सदफ इज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए रेप्यूटेड कंपनी. सी इंट्रोड्यूस एप्रोशिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ए साउंड प्रमोशन पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज ऑफ हर कंपनी. टू मोटिवेट एंड रिटेन द बेस्ट टैलेंट इन द कंपनी, सी डिजाइन द जॉब ऑफ द मैनेजर टू इंक्लूड ग्रेटर वराइटी ऑफ वर्क कंटेंट. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू इंसेंटिव. तो एक तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया और दूसरा क्या हो गया, जॉब एनरिचमेंट. दोनों को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. इरमा इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए रेप्यूटेड कंपनी. सी इंट्रोड्यूस एप्रोशिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ए साउंड प्रमोशन पॉलिसी फॉर हर एम्प्लॉयज फॉर हर कंपनी. To motivate and retain the best talent in the company, she designed the job of the manager to include greater variety of work content.
तो देखिए इसमें एक्सप्लेन एनी टू अदर इंसेंटिव, एक तो स्टेटस के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से स्टेटस मींस पोजीशन ऑफ रैंक ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग एम्प्लॉयज़ के बीच जो पार्टिसिपेशन है वो उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो आज आप 11 से 18 तक केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे ओके स्टूडेंट्स।